गुड मॉर्निंग, आप सभी का केटीआई में बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं बच्चे? अच्छा, स्टैटिस्टिक्स के बेसिक लेक्चर नंबर टू। बेसिक लेक्चर नंबर टू, इस लेक्चर में हम लोग इंटरवल फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस बेसिक बातें की जानकारी हम लोग लेंगे। यह सब कुछ हमारे सिलेबस में है, ये मत समझना कि सिलेबस में नहीं है। इस सिलेबस में है, जो आपने 11, 12 या इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे उतना से यहाँ काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो चलो ज़रा देखते हैं हम लोग। स्टैट बेसिक मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। लेक्चर नंबर दो, एक बात जरा सुनोगे एक एक बात समझ में आएगा और बहुत डीपली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे और आपको प्रैक्टिस तो खुद करनी पड़ेगी, लेकिन हम लोग डिप में ज़्यादा जाएंगे। चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, सुनो हेलो, कि सपोज करो कोई कंपनी अपना फ्रेंचाइजी डालना चाहता है। सपोज करते हैं कोई कंपनी, जैसे टाटा कंपनी है, और वो चाहता है कि हमें फरीदाबाद में टाटा मोटर्स का एक हम ब्रांच डाल दे, तो क्या होगा? जिसको भी ऑथोरिटी मिला होगा वो क्या करेगा? एक पहले है ब्रांच मैनेजर को रिक्रूट करेगा, ब्रांच मैनेजर को चुनेगा नहीं। अच्छा, तो फिर वो सोचा जाएगा कि भाई बजट क्या होगी। सबसे बड़ी बात है बजट, बजट क्या होगी। तो बजट में, बजट के अकॉर्डिंगली उस ब्रांच मैनेजर की भी सैलरी फिक्स की जाएगी, ठीक है? अच्छा, सैलरी में ऐसा होता है, रेंज होता है सैलरी का। जैसे उस ब्रांच मैनेजर की सैलरी बना दिया गया, ऐसे बढ़ा दिया गया, ठीक है? मतलब 7 में आपके जितने भी अलाउंस वगैरह है वो सब कुछ मिलेगा। इस तरह से होगी, इसी तरह से होगी ना? अच्छा, तो बच्चे स्टैटिस्टिक्स के भाषा में हम इस तरह से लिखने वाले काम को हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं। ये है क्लास इंटरवल। अच्छा, एक बात जरा सुनिएगा जी बच्चे, क्लास इंटरवल, ठीक है? क्लास इंटरवल में इस रेंज के पहले का जो नंबर है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। जरा ध्यान देना जी बच्चे, एक बात जरा सुनोगे, लोअर लिमिट को हम लोग L1 से और अपर लिमिट को हम L2 से डिनोट कर रहे, ठीक है? अगर आप सपोज कर लोगे कि हम, ओ बेटा सुनो, लोअर लिमिट को अगर हम कोई दूसरा सिंबल X से सपोज कर लें, अपर लिमिट को Y सपोज कर सकते हैं, हम फ्री है, ठीक है? हम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग लोअर लिमिट, लिमिट का पहला लेटर L है तो L1 से, और ये हो गया L2 से डिनोट करते हैं, क्लियर ना? अब क्वेश्चन ये हुआ कि क्लास इंटरवल बनाते कितने तरह से, क्लास इंटरवल बनाने के तरीका, मेथड। बच्चे जरा इधर ध्यान से देखिएगा जी, क्लास इंटरवल्स बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है? एक को कहते हैं, एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा जी, एक को कहते हैं एक्सक्लूसिव मेथड, और ये दूसरा को कहते हैं इंक्लूसिव मेथड। ये बता दिया था,
इंक्लूसिव मेथड, एक्सक्लूसिव मेथड, बता दिया था जी। अच्छा एक बात जरा सुनिएगा, कॉपी दिखाइएगा जरा, कि हम एक्सक्लूसिव मेथड इंक्लूसिव मेथड, ठीक है। तो क्या मेथड, ये दो तरह की बात है और वो मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। चलो ठीक है, अब जरा एक बात जरा सुनिएगा जी, हेलो इधर ध्यान से। ये दो मेथड हो गया, एक्सक्लूसिव मेथड का दूसरा पहला नाम, दूसरा तरह से क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव डेटा को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव डेटा को, हेलो, इस डेटा को हम लोग ओवरलैपिंग डेटा बोलते हैं, ओवरलैपिंग डेटा, ठीक है, और इसको बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग डेटा, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग डेटा। चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा जी, ओवरलैपिंग डेटा, नॉन ओवरलैपिंग डेटा, ये दो तरह की डेटा बताया था जी। इसके बारे में मैंने ये भी आपको बताया था कि लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल क्या होता है, ये भी बताया था। लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल की फॉर्मूला आपको याद होगा, लेंथ का दूसरा नाम क्या है, साइज, तीसरा नाम क्या है, स्ट्रेंथ, और भी नेम है, विड्थ ऑफ ए क्लास इंटरवल, ऑफ ए क्लास इंटरवल। इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, कुछ लोग सी से भी करते हैं, कुछ लोग एस से भी करते हैं। इज इक्वल टू क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस डी। डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, बताइएगा जी। डी डी बच्चे एक बार जरा सुनोगे, वेर आपको बताया था कि डी इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल माइनस अपर लिमिट ऑफ जस्ट प्री क्लास इंटरवल, यही बात बताया था। इसको हम लोग डी बोलते हैं, इतना ही तक बताया था ना जी। आज हम लोग जानेंगे बच्चे, एक बात जरा सुनो, हेलो, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल मैंने बताया था, इस पर क्वेश्चन आपको नहीं बताया था, उस पर आप क्वेश्चन करते हैं। चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा जी, क्वेश्चन करते हैं, जरा क्वेश्चन पर आंसर दीजिएगा आप लोग, नोट करिए, फास्ट नोट करेंगे आप, साथ में ही रहेंगे नोट करेंगे। द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल 20 to 29 इज, पहला ऑप्शन 9, 10, 11, डाटा इनकम्प्लीट, पहला सवाल। बेटा एक बात जरा सुनो, क्वेश्चन नोट करते चलो और उसके बाद देखते चलो, ठीक है। द लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 is, पहला ऑप्शन 9, 10, 11, डी में नन ऑफ दिस, ठीक है जी, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, मैं आपसे आंसर पूछ लेता बेटा, पूछ लेता हूँ, आप ध्यान हमारे तरफ रखें, ध्यान हमारे तरफ रखें बेटा, इधर उधर दिमाग मत दौड़ाओ, नहीं तो बस लास्ट में पछताना पड़ेगा। सुनिए एक बात जरा सुनिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कौन कौन है, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में ये लोग हैं बच्चे, सेकंड ऑप्शन, थर्ड, लास्ट ऑप्शन, कौन कौन ऑप्शन में रहोगे, हेलो, चलो जी बहुत बढ़िया,
चलिए जरा दूसरा सवाल का जवाब। हेलो, दूसरा फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कोई है? नहीं है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन के फेवर में ये लोग हैं। थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। बेटे तुम लोग पढ़ते नहीं हो घर पर, गलत बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। सुनिए जी, सुनिए, इधर ध्यान देना जी, बेटे सीधा बैठ जा। हेलो, इधर देखो, जब हमें एक क्लास इंटरवल दिया हो, फिर ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें एक क्लास इंटरवल दिया हो तो दैट क्लास इंटरवल इज एज्यूम्ड एज द क्लास इंटरवल ऑफ एक्सक्लूसिव डेटा। ठीक है ना जी? अगर एक क्लास इंटरवल दिया हो तो हम उस क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव डेटा का, ओवरलैपिंग डेटा का एक पार्ट मानते हैं। ठीक है, तो कभी भी गलती से आप नन ऑफ दिज मत कर दीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा ना। और इसके केस में एक बात याद रखिए, लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और डी जीरो माना जाएगा, तो बच्चे लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 9, ये हम आंसर देंगे। अगर सिर्फ एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो वहाँ पर चलेगा। तो बच्चे एक बात जरा सुनिए, मैंने दूसरे वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपसे पूछ लिया, और ये सब तरह का क्वेश्चन पेपर में आया है, ये मत समझना कि नहीं आया है। तो एक बात जरा सुनिए, कोई भी एक क्लास इंटरवल ले लीजिए, इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट, इसका लोअर लिमिट, इस दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 है। ये है अपर लिमिट और इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 है। डी इक्वल टू क्या हुआ? 1 हो गया बेटा, डी इज इक्वल टू हमारा 1 हो गया। कोई भी एक क्लास इंटरवल ले लीजिए, लास्ट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो 49 माइनस 40 और डी की वैल्यू है आपका प्लस 1 इक्वल टू कितना आया? 10। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका आंसर हुआ। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जी? हेलो, एक बार जरा सुनिएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल से रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन पेपर में, दोनों तरह का क्वेश्चन पेपर में आया है, ये दोनों टाइप का क्वेश्चन पेपर में आया, तो वहां पर गलती मत करिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे, और वो है बच्चे कि हम नॉन ओवरलैपिंग डेटा को ओवरलैपिंग डेटा में कन्वर्ट कैसे करेंगे। कन्वर्जन ऑफ, लिखिएगा जी, कन्वर्जन ऑफ नॉन ओवरलैपिंग डेटा, नॉन ओवरलैपिंग डेटा इनटू ओवरलैपिंग डेटा। ठीक है जी, हेलो, नॉन ओवरलैपिंग डेटा को ओवरलैपिंग में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, हेलो, चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, नॉन ओवरलैपिंग डेटा को ओवरलैपिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे। इसके लिए दो बातें, एक होता है लोअर क्लास बाउंड्रीज को बोलते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर का पहला लेटर एल, क्लास का और बाउंड्री का भी एल सी बी, इतना इज इक्वल टू एल वन माइनस डी बाई टू। अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री क्यू सी बी इक्वल टू एल टू प्लस डी बाई टू प्लस डी बाई टू। ये बच्चे फॉर्मूला भी पेपर में आते हैं। ठीक है, नहीं नहीं लोअर लिमिट अपर लिमिट और ये बाउंड्री, ये अलग बात हो गई। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब मैं इस पर एक एग्जांपल ले देते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा जी, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ पर 10 है, यहाँ 0 टू 9 ले लिया, यहाँ 10 टू 19 ले लिया, यहाँ पर क्या ऐसा कर देते हैं 0 टू 8, यहाँ पर 10 टू 18, यहाँ पर ये हो गया 20 टू 28, 30 टू 38। हमने चार क्लास इंटरवल ले लिया और इस चार क्लास इंटरवल को ये ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करना है। बेटा एक बात जरा सुनो,
अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल इज नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल, देयरफॉर इट इज नॉट ओवरलैपिंग, इट इज नॉन ओवरलैपिंग, इट इज नॉन ओवरलैपिंग, ये नॉन ओवरलैपिंग डेटा है, ठीक है, इसको ओवरलैपिंग में बदलना है। सुनिए, एक बात जरा सुनिए, आपका जो स्कूल में पढ़े थे कि लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो, हमारा ओवरलैपिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा यह रूल यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है, काम नहीं करेगा। वो तो तब काम करेगा जब इस दोनों का डिफरेंस 1 होगा, तब काम करेगा। डिफरेंस अगर 1 से ज़्यादा हो जाए या 1 से कम हो जाए तो ये नियम काम नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ए वाला फार्मूला। तो सुनिए, एक बात जरा सुनिए, एक मिनट शांत रहो, बोलने दो, ठीक है। हमारे बताने के बाद कोई अगर आपको दिक्कत रह जाए तब आप मुझे बोलिएगा, ठीक है, एक बार जरा सुनोगे। हेलो, ऐसे केस में हम, एक क्लास इंटरवल है और इसी से क्लास बाउंड्री बनेगा, ठीक है, हाँ जी, क्लास बाउंड्री इसी से बनेगा। तो बच्चे एक बार जरा सुनोगे, कोई एक क्लास इंटरवल का ले लेते हैं, ये लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, यही बनाना है ना। तो एक बार जरा सुनिए, जीरो हुआ माइनस डी, कितना आया है बच्चे, यहाँ पर डी इक्वल टू है 2, तो 2 के आधा को माइनस कर दीजिए, ये लोअर क्लास बाउंड्री हो गया, और अपर क्लास बाउंड्री 8 प्लस 2/2, ये बताइएगा ये कितना आएगा, -1, और ये कितना आएगा, +9, यही आएगा ना जी। अच्छा, अब जरा एक बात जरा सुनिए, इसमें भी वही सेम कहानी, 10 माइनस डी 2/2, यहाँ पर हो जाएगा 18 प्लस 2/2, जरा देखिएगा जी, ये क्या हो गया 9, और ये क्या हो गया 19। बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, यहाँ देखिएगा, इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट दोनों सेम हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, ये ओवरलैपिंग एक्सक्लूसिव डेटा में कन्वर्ट हो गया, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। अच्छा, एक बात जरा सुनोगे, इसी तरह से अब हम लोग काम करेंगे, जल्दी करना होगा, ये तो मैंने पूरे तरीका से बता दिया, अब जल्दी करना होगा। तो डी का आधा इस सब से माइनस कर दो, तो जीरो में 1, इसका आधा 1 होता है, 1 माइनस करोगे तो -1, ये होगा -9 होगा, ये होगा 19, ये होगा 29, ये हो जाएगा 19, ये हो गया 19, अरे होगा कितना 29। इस सभी में इसके आधा को प्लस कर दो, तो 2 का आधा क्या होगा, 2 का आधा 1, प्लस 1 होगा ना, तो प्लस 1 जोड़ दो इसमें, 18 प्लस 1, ये तो अपर लिमिट ले रहे हैं, ये 19 तो हो चुका है, इसका 29 और इसका 39, ये हमारा ओवरलैपिंग में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नॉन ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करना जरूरी है, अरिथमेटिक मीन के लिए नहीं जरूरत है, पढ़ेंगे हम लोग, अरिथमेटिक मीन में जरूरत नहीं पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन में जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मीडियन निकालना हो, मोड निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, मीन डेविएशन निकालना हो, इस सभी केस में हमें इसे ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का ये बेसिक बात ये हो गया। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लास इंटरवल दे देगा और उसके बाद है आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो आप आंसर दे क्या दोगे। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं, हाँ क्या हुआ, हाँ एक बात जरा सुनिएगा जी, आपने सवाल क्या है, ये वाला देखिए, हमारा लिमिट, सुनो, रूल के अकॉर्डिंगली लिमिट आपका निगेटिव भी हो सकती है, ये मत समझ लेना कि निगेटिव होगा, क्या हो सकता है, ठीक है। हमारा कोई भी डेटा दिया हुआ है और उस डेटा में ऑब्जर्वेशन हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेटा दिया हुआ है, कोई भी हमारा ऑब्जर्वेशन निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये मत समझना कि लोअर लिमिट माइनस कैसे हो गया, बेटा माइनस भी हो सकता है, क्लियर, हाँ। अब जरा एक बात जरा सुनो, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ये हमारा क्लास बाउंड्री हो गया। क्लास बाउंड्री किसी भी डेटा का जब हम तैयार करेंगे तो हमेशा ओवरलैपिंग में होगा, क्लास इंटरवल में भी ओवरलैपिंग, में नॉट भी ओवरलैपिंग, ठीक है। अगर इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट
ये दोनों इक्वल हो जाए तो वो भी क्लास इंटरवल है, वो भी क्लास इंटरवल है, तो इन दैट केस क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री विल बी सेम, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर क्लास इंटरवल है लेकिन क्लास बाउंड्री में जब कन्वर्ट करोगे तो इसको हम ओवरलैपिंग में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा ओवरलैपिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लास इंटरवल, ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग दोनों हो सकता है, और ये वाला हमेशा क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, बेटा ये भी क्लास इंटरवल है। यहाँ पर क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री में कोई फर्क नहीं है, ठीक है जी, यहाँ कोई फर्क नहीं है, लेकिन ऊपर वाले केस में क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री में फर्क है। समझ में आ गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ में आ गया। आपसे सवाल करते हैं, जरा एक छोटा सा सवाल का जवाब आप लोग तूफान स्पीड में दे, फॉर द डेटा, फॉर द डेटा, सुनो शांत रहो जी, 10 to 19, 10 to 19, 19.5 to 28.5, 28.5, the lower class boundary of the class interval 10 to 19 is, pahla option 9.5, dusra option 9.25, तीसरा ऑप्शन 9.75, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। आपसे ऐसा छोटा छोटा सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है जी, ऐसा ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए तैयार हो गए जी, चलो बताओ फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कौन है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड के फेवर में, थर्ड के फेवर में, थर्ड के फेवर में, बेटा एक बात जरा, लास्ट लास्ट, बेटे शरीर में जान नहीं है, जोश नहीं है, और जब जोश नहीं होता तो बेटा आउटपुट नहीं आता। काम में है, कोई भी काम करोगे तो जुनून चाहिए, अगर जुनून नहीं है तो बेटा आउटपुट नहीं आएगा, जितना सोच लो, जितना सोचना है सोच लो, ठीक है। तो अग्रेसिवनेस होना, जोश होना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना जी। नहीं तो बस मुरझाया हुआ फूल को बेटा कोई नहीं लाइक करता, खिले हुए फूल को ही दुनिया लाइक करता है, सही है नहीं है? अरे खिले हुए फूल को लाइक करता है ना, मुरझाया हुआ फूल को तो भगवान पर भी नहीं चढ़ाना चाहते लोग, सही बात है ना। तो बेटा तुम क्यों मुरझाए हुए हो, जवाब दो फटाफट, फर्स्ट ऑप्शन के पेपर में कोई है, सेकेंड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। बेटा होश में जोश भी मत, जोश में होश मत खोल दिए, तो इसलिए आंसर जरा देखिएगा जी। हेलो, यहाँ पर जरा बताइएगा जी, हेलो, डी इक्वल टू है 0.5, तो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ 10 टू 19 इज इक्वल टू 10 - 0.5/2, 0.5/2 ये कितना आएगा, 9.75, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा एक बात जरा सुनिएगा, हेलो और भी सवाल ले लेते हैं, एक छोटा सा सवाल का जवाब आप बताइए और जल्दी से जल्दी बताइएगा। एक क्वेश्चन जरा लेते हैं, द वैल्यू ऑफ अपर क्लास बाउंड्री इज फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेटेड एज, पहला ऑप्शन 11 + d/2, सेकेंड ऑप्शन 11 - d/2, थर्ड ऑप्शन 12 - d/2, लास्ट ऑप्शन 12 + d/2। चलो जरा एक बात बता दो, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कोई, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, हेलो, बहुत बढ़िया जी, आंसर हो गया,
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या इतना आसान क्वेश्चन बच्चा को सोल्व नहीं करना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो और ये नहीं बता पाओगे तो फिर क्या बनना, बेकार बनना सी है ना जी। तब चलो बच्चे एक बार जरा सुनो। हेलो, अब हम लोग जानेंगे फ्रीक्वेंसी। बच्चे एक बात याद रखिएगा जी, अब इसके आगे जानेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, आप लोग फ्रीक्वेंसी हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। तुम लोग फ्रीक्वेंसी पढ़े हो ना? फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? कोई बता दो। नहीं बताते हैं। एक बार जरा सुनिएगा जी। हेलो, यहाँ पर जरा देखिएगा जी, फ्रीक्वेंसी है ना, टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, उसको बोलते हैं हम उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया जी बच्चे? नोट कर लिया? हेलो, अरे बेटा एक बात जरा सुनो, आदमी के जैसे बैठो और नहीं अगर ज्यादा स्मार्ट बनना है, गेट खुला हुआ है। सीए बनना चाहता है, फालतू वाला ये आवाज करता है। हेलो, एक मिनट शांत रहिए जी। सीए डिग्री का बेइज्जती कर दे रहा है। हो गया जी? हेलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन ये तो हो गया जी बच्चे। अब जरा एक बात जरा सुनो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, इस पर भी है हमें काम करना है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल क्या होता है वो जरा हम लोगों को जानना है। डेटा कहाँ चला गया? हेलो, अरे बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान देना। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्लियर? कोई ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन। अच्छा एक बात जरा सुनिएगा इधर ध्यान से, लेकिन अगर यही क्रम ऐसे लिखें, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ए क्लास इंटरवल, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल, ऑफ दैट क्लास इंटरवल। बच्चे एक बार जरा सुनो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाइंग इन द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ
दैट क्लास इंटरवल, ठीक है जी। हाँ बच्चे, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल, हो गया। अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनिए, हेलो, एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे 5 है, 8 है, 10 है, 5 है, 3, 4, 5, ठीक है। अब चले जरा एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्वेशन को कैपिटल एक्स से चाहे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स से नॉर्मली डिनोट करेंगे, ठीक है। ये आपके ऑब्जर्वेशन है, सबसे छोटे ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करें, अरेंज करना जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशन हमारा काम करना डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। पहला सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है 3, उसके बाद 6, के बाद 8, के बाद 9 नहीं है जी, 10। चले जरा एक बात जरा सुन, अब यही देखना है कि इस डेटा में 3 है तो 3 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 होगी। अब जरा देखो 4 कितने बार रिपीटेड है, 5 कितने बार रिपीटेड है, 1, 2, 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 होगी। 6 कितने बार रिपीटेड है, 8 कितने बार, 1 बार, और 10 2 बार, ये हो गया। इस तरह से ये हो गया फ्रीक्वेंसी, हो गया क्लियर। अच्छा एक बात जरा सुनिए, हेलो, ये हो गया जी फ्रीक्वेंसी, हो गया। लेकिन बच्चे एक बात जरा सुनो, फ्रीक्वेंसी अगर हमें है तो इसी के साथ साथ किसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी बनाना, किसी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी तैयार करना, वो जरा देखिएगा जी। हेलो एक बात जरा सुनिएगा, क्लास इंटरवल आपको दिया होगा कि हाँ क्लास इंटरवल क्या है, और तब आपको है फ्रीक्वेंसी का पता लगाना है, तब आप कैसे काम करेंगे, ठीक है जी। हेलो बच्चे एक बार जरा सुनिएगा, इधर ध्यान देना जी, ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है सीएन चूर की किताब का डेटा, कहता है फॉलोइंग आर द वेट्स इन केस ऑफ 36 बीबीए स्टूडेंट्स ऑफ सेंट जेवियर कॉलेज, यही है हमारे पास दिया हुआ, और कहता है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स टेकिंग क्लास लेंथ एज 5। बच्चे क्लास लेंथ 5 लेना है और तब आपको है क्लास इंटरवल बनाना है, कैसे बनाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहली बात जरा सुनो, लेंथ है 5, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इस डेटा का लोअर लिमिट क्या है, इस डेटा का लोअर लिमिट क्या है, ये हमें देखना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, बोलो 44 है। अब चलो जरा एक बात जरा सुनो, ये बार बार ये ऐसा क्यों हो रहा है, हेलो वार्निंग, ये टैब हमारा हैंग हो रहा है ना बार बार, हेलो ये दिक्कत। बच्चे एक बात सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान, सबसे बड़ा
जरा एक बात जरा सुनिएगा, जब कभी भी हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है तब हम क्या करते हैं कि सबसे पहला काम करते हैं रेंज निकालने का, और रेंज इक्वल टू होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, वेयर वेयर ये नोट करते चलिएगा, नोट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो नोट करते चलिएगा। इसकी पीडीएफ में एल इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और एस इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। चलिए जरा एक बात जरा सुनो, तो इस डेटा में सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन है? 73 और स्मॉलेस्ट 44 है, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा? 73 माइनस 44 इज इक्वल टू कितना? 29 इज द लेंथ ऑफ दिस डेटा, क्लियर? अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, हेलो, ये तो हो गया रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है। अब चलो एक बात जरा बताओ, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स कितने होंगे? कोई बताओ जी, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स आपको बताना है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स यहाँ पर लिखा हुआ है वो, हाँ जी, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, हाँ जी। बच्चे एक बात जरा सुनो, कोई कोई फार्मूला बता दे नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स का, बता दो, याद है? नहीं याद है, नहीं जी। बच्चे एक बात जरा सुनो, अब मुझे बताने दो, तेरे से पूछ लिया, अब मेरा काम है, ठीक है। चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा, मैं आपको ये बता दिया, नोट कर लिया? नोट कर लिया तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उस पर जरा ध्यान दीजिए, बोलो मत बेटा, बोलो मत, हमें बताने दो, ठीक है। और इधर ध्यान देना जी, हम लोगों ने क्या कहा कि रेंज, तो रेंज इज इक्वल टू हो गया एल माइनस एस, वेयर एल इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और एस इज इक्वल टू हो गया स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी। हेलो, अब जरा देखोगे, एक बात जरा सुनो, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इज इक्वल टू रेंज अपॉन लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है जी। हेलो, इधर ध्यान से देखिएगा जी, रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल, हेलो, एक बात जरा सुनो, किताब में भी ऐसा ही लिखा हुआ है लेकिन एक थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बाद में ठीक किया है, तो हम इसी चीज़ को मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ, उसको जरा ढंग से देख लीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा, नहीं तो गलती पर गलती होता रहेगा, ठीक है। चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यह कि ये वाला बात जरा देखिएगा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए लिखेंगे लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्लस वन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्लस वन, ये हम तरीका यूज करेंगे, कभी गलती नहीं होगा, कभी भी गलती नहीं होगा, ठीक है जी। लेंथ ऑफ द क्लास इन, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, ठीक है। चलते हैं जरा बैक, चलते हैं हम लोग बैक, हाँ जी, पीडीएफ आ जाएगा। हेलो, अभी आएगा, अभी जाएगा जी, शांत रहो। हेलो, हाँ जी बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, इधर एक मिनट शांत रहिए, बोलिए मत। इस डेटा का जो रेंज है बच्चे, हम लोगों ने क्या निकाला था, इस डेटा का रेंज हम लोगों ने निकाला था कुछ, ये हो गया 73 माइनस 44 अपॉन, ये हो गया कितना आया था, 29 हो गया था। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, बच्चे लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल आपको 5 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इज इक्वल टू, जरा देखिएगा जी, 29 लिखोगे, 5 हो गया, इक्वल टू क्या करोगे, ये हो गया जी 5.8 आएगा।
देखिएगा जी, सीए इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही किया है, सीए इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही किया है। यहाँ पर राउंडअप का अप्रोक्सीमेशन का साइन लगाया है, लेकिन इनकी तरीका ठीक नहीं है, गलत है, इनकी तरीका गलत है। लेकिन नीचे ये लिखा हुआ है, वी ऑलवेज टेक नेक्स्ट इंटीजर एज द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स सो एज टू इंक्लूड बोथ द इंटरवल्स। ये है लिखा हुआ बेटा, यहीं पर ढंग से समझ नहीं आता, ठीक है। आप जब काम करोगे तो आप देखिएगा जी, हमने जो बताया था नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इज इक्वल टू, ये बताया था इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्लस वन, ये लिखवा है ना। इंटीग्रल का मतलब ये हुआ, सुनो, डेसिमल के पहले वाला नंबर, ये जो कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसके डेसिमल के पहले का नंबर क्या है, फाइव है, तो फाइव प्लस वन इक्वल टू हो गया सिक्स, ठीक है। याद रखिएगा जी, सुनिए, इस तरीका से इसके अनुसार अगर काम करोगे, जैसे मान लेते हैं कि तुम्हें 5.2 आ गया, तो आपका नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स क्या होगा, 5 की 6, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स 5 होगा कि 6 होगा। 5 के फेवर में कौन कौन है, 5 के फेवर में सेकंड, 6 के फेवर में, हाँ जी 5.2 है, तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स 5 लेंगे या 6 लेंगे, 5 या 6, 5 के फेवर में कौन कौन, 5 के फेवर में कोई नहीं है, 6 के फेवर में, 6 के फेवर में आप लोग हैं। और भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, बच्चे एक बात याद रखिएगा, हेलो इधर ध्यान से, ये 5.2 क्या 5.0 भी होगा तो भी इंटीग्रल पार्ट प्लस 1 ही लेंगे और ये हमारा आंसर होगा। अब रहा सवाल, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, ठीक है जी, एक बात जरा बताइए मुझे, ठीक है ना जी, एक्सपेरिमेंट करके देखना है। हेलो, एक मिनट शांत रहिए जी, मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर जरा देखिएगा, बता रहा हूँ कि कैसे होगा, वो बता रहा हूँ, सवाल का जवाब देखो, ठीक है। हेलो, हाँ जी बच्चे, अब जरा एक बात बताओ, पहला क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू करें, पहला क्लास इंटरवल सुन लीजिए, हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल वह लेना चाहिए जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन लाई करता हो, ठीक है। हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल कौन सा लेना चाहिए, हमें फर्स्ट क्लास इंटरवल वो क्लास इंटरवल लेना चाहिए जिसमें स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन लाई करता हो, और लास्ट क्लास इंटरवल वह लेना चाहिए जिसमें लार्जेस्ट क्लास इंटरवल हमारा लाई करता हो। आप ज़्यादा क्लास इंटरवल या आप पहले छोटा क्लास इंटरवल ज़्यादा बनाकर क्या करोगे, कोई फायदा नहीं, ठीक है। डेटा हमारा लिमिटेड होनी चाहिए, तरीका से होनी चाहिए। तो बच्चे एक बाजरा सुनिए, अब ये है कि आपका क्लास इंटरवल सबसे है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 40 से 45, फिर 45 से 50, ऐसे ऐसे कर सकते हो ना, 50 से 55, फिर 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, से बस सबसे लास्ट आपका 73 है, इसमें लाई करता है। काउंट करके देखिए कितने हैं, कितने क्लास इंटरवल्स हैं, गिन कर देखिए, 1, 2, 3, हमारा आंसर 6 आ रहा है लेकिन यहां पर हमारा आया 7, तो हमारा फॉर्मूला गलत है कि ये गलत है, ये गलत है। तो सही क्या होगा, सही क्या होगा, तो बेटा ऐसे ही बोल देगा गलत है, ये कोई बात थोड़े हुआ, ठीक है। हाँ बच्चे एक बात जरा सुनिए, हेलो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला तब एग्जिस्ट करेगा जब हमारा क्लास इंटरवल स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करेगा, ठीक है, तब ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज ये देख लीजिए, 40 से 45 कर लीजिए, आप और भी कम करके देख लो, 39 to 44, ये भी करके देखिए, 43 ना सबसे स्मॉलेस्ट है, उस तरह से करके देखिएगा तो हो सकता है एक क्लास इंटरवल और बढ़ जाए, ठीक है। तो बच्चे वो काम नहीं करना है, हमारा काम क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करना है।
सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है 44, तो 44 प्लस 5, 49 प्लस 5, 54, 54 प्लस 5, 59 प्लस 4, 64 प्लस 5, 69 प्लस 4, 74, काउंट करके देखिए। हेलो अजीत जी, हो गया जी, छह क्लास इंटरवल्स हो गया, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा एक बात जरा सुनो, हेलो, ये है हमारा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, ऐसे पता लगाएंगे। जो छोटी छोटी गलतियां होती है वो गलतियां आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स ये हुआ। मैं आपको बोलता हूं कि आपका सबसे है कि क्या कहते हैं, सबसे छोटा है 43, 43 है ना सबसे छोटा, 44 सबसे छोटा है, तो 44 हाँ जी। मैं आपसे मैं पूछता हूँ, हेलो, एक मिनट बेटे शांत रहिए। मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है 44 और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है आपका 69, तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स क्या होगा? 25। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स आपसे पूछा जा रहा है, 25 क्या होगा? चलिए जी, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में 9। मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, चलिए जरा बताइएगा। हाँ बच्चे बताओ, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कोई? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। बेटा ध्यान दे दो, बेटा पढ़ लो, जिंदगी जिंदगी में अगर सब कुछ है जब तक तुम्हारी अपनी अहमियत है, अदरवाइज इस दुनिया में कोई पूछने वाला किसी से नहीं, ठीक है जी। तुम कितना भी स्मार्ट हो जाओ, हैंडसम हो जाओ, सुंदर हो जाओ, ब्यूटीफुल हो जाओ, लेकिन क्वालिटी मैटर्स, ठीक है जी। हेलो एक बात जरा बताओ, सेकंड ऑप्शन के फेवर में? थर्ड, बेटा ऐसे हाथ उठाओगे तो नजर ही नहीं पड़ेगा कि हाथ कहाँ है। थर्ड ऑप्शन लास्ट। बेटा एक बात जरा सुनिए, मैंने आपको बताया ना, आपको मैंने बताया था, उस पॉइंट को जरा ध्यान दे दीजिए। आपसे मैं कहता हूं कि अगर आपको लेंथ 5 है और आपने क्लास इंटरवल बना दिया 44 से लेकर 69 तक, यही बनाया ना, तो आपके 5 क्लास इंटरवल हुए, लेकिन आपका सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है 69। यह डेटा हमारा ओवरलैपिंग है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन जो इसके अपर लिमिट के इक्वल है, क्या उस ऑब्जर्वेशन को इसी क्लास इंटरवल में यूज करोगे या नेक्स्ट क्लास इंटरवल में यूज करोगे? बोलो, नेक्स्ट या उसी में? नेक्स्ट। मतलब हमारी मजबूरी है 69 to 74 बनाने का। तो आपका फिर 6 का 6 हुआ कि नहीं हुआ? डिफरेंस आपका भले ही, सुनिए, ये रेंज आपका 69 minus 44 = 25 आ गया, और 25/5 कर दोगे तो आपका 5 आ जाएगा। ये आपके पास 5.0 आया ना, 5.0 होने के बाद भी आपका नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स एक ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो यही बात तो मैं उस समय से समझा रहा हूं कि ऐसे केस में कभी ये मत समझ लेना कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, इस फॉर्मूला की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, कभी भी मत करेंगे। राउंड अप वैल्यू क्या होगा कभी नहीं करेंगे, करेंगे तो -0.25 लेंगे। समझ में आ गया? अब जरा बेटा ज्यादा हिसाब किताब मत करो, ठीक है। चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, ये फॉर्मूला हो गया। इक्वल टू रैंक कितना है बच्चे? पार्ट ऑफ ऑफ 69 minus 44 divided by 5 plus 1 = 6, और इसके केस में भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझ में आ गया? कर लोगे? फोटो खींचो, व्हाट्सएप पर डालो हमेशा, ठीक है जी, कर लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है,
बच्चे इस फार्मूला का इस्तेमाल करिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा। हाँ जी एक मिनट हो गया जी। अच्छा एक बात, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5 गिवन। इधर ध्यान से देखिए, क्लियर? सुनिए जी सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए। ये हो गया जी आपका ये वाला कंसेप्ट, क्लियर? अच्छा एक बात जरा सुनो, फ्रीक्वेंसी ये मिटा दूं मैं इसको। अब चलो जरा एक बात जरा सुनो, जैसे है टैलीज, टैलीज लिखने आता है आपको, टैलीज लिखने आता है, जैसे एक को क्या लिखते हैं, दो को, तीन को, चार को, ऐसे नहीं लिखते। एक क्या गलत हो गया, एक टैली नहीं है रोमन है इसलिए ही नहीं लिखते यहाँ को, एक दो तीन चार ऐसे, दस को एक दो तीन चार पांच, बस आगे सोचते रहेंगे, चाहे 59 टू 64, 64 टू 69 टू 74। चलिए एक तरफ से ऐसे काम करेंगे, यहाँ सबसे पहले है एक क्लास इंटरवल हो गया, एक टैलेंज लिखोगे। बच्चे एक मिनट शांत रहिएगा जी। हेलो टैलेंज लिखेंगे, सुनिए ऐसे काम करोगे बच्चे, सबसे पहले 70 है सबसे लास्ट में आएगा, उसके बाद 73 ऐसे कट करते चलिए लास्ट में आएगा, 49 इसमें आएगा, 61 इसमें आएगा, अगेन 61 इसमें आएगा, 47 इसमें आएगा, 57 इसमें आएगा, ऐसे कर लोगे। इस तरह से जो बनेगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा। आप बगल में फ्रीक्वेंसी लिख दोगे इसकी होगा, इसी को नंबर में लिख दो, दो है तो दो होगा, तीन है तो तीन होगा, यही होगा ना हमारे पेपर में। हेलो हमारे पेपर में एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए नहीं आएगा। हाँ जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए नहीं आएगा क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कंसेप्ट इसी से हो सकता है, तो वहां पर दिमाग लगा लगा के आपको आंसर देना है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? बच्चे एक बात जरा सुनिए, मैं आपको ये बता दिया, अब जरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन जरा लिखो, द लेंथ ऑफ ए क्लास इंटरवल इज डैश, पहला ऑप्शन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस डी, दूसरा ऑप्शन रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स अप्रॉक्स। ठीक है जी, सी नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स डिवाइड कर दिया जी, नेक्स्ट। ठीक है ए एंड बी लिख दिया बोथ, और ए डी में लिख दिया नन ऑफ दीज। फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कोई है? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन कोई नहीं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, 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 लास्ट,
अरे बेटा एक बात जरा सुनो, हेलो, एक बात ध्यान दीजिएगा जी, बच्चे एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, हेलो, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इज इक्वल टू, आपको ये लिखवाया गया है रेंज बाय लेंथ ऑफ द क्लास इंटर प्लस वन, ये लिखवाया गया है ना। लेकिन जब इस तरह की बात करना हो तो हमें हमें सी एन चूट के पैटर्न को फॉलो करनी है। सी एन चूट ने यही कहा है कि रेंज अपॉन लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, हमें भी यही बात माननी है। लेकिन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो हमारी बात माननी है, ठीक है? समझ में आ गया ना बात? आपसे क्या पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ द क्लास इंटरवल्स, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इज इक्वल टू रेंज अपॉन लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल, यही हम मानेंगे, ठीक है? हाँ जी, फॉर्मूला के अनुसार हम यही मानेंगे। बट याद रखिएगा, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स डेसिमल में नहीं होता, कभी निगेटिव नहीं होगा, जब भी होगा होल नंबर होगा। डेसिमल में नहीं होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा, जब भी होगा होल नंबर होगा। तो उसको होल नंबर में बदलने की तरीका जो मैंने बताया था वो है, बट फार्मूला तो ये होगा। अच्छा एक बात जरा सुनिए, इस आई को यहाँ पर भेज दो, आई इसको यहाँ पर भेज दो, अपॉन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, और ए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में है, ऑप्शन सी में ए एंड बी बोथ लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी पर टिक लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यह नहीं होता, ऑप्शन सी नहीं होता, तो ए और बी दोनों पर टिक लगाना पड़ता। समझ में आ गया? कर लोगे? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अब अगली बात जरा देखिएगा जी, नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिएगा जी। हेलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल भी बता दिया। yes, अब जरा दो तीन बातें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है? हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए क्योंकि पेपर में खूब आता है। पहला बात फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। नंबर दो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। नंबर थ्री, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू 100। ये तीन बात जरा फटाफट नोट करिए, एक इतना ही से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूला है ये, बट काम कुछ अलग है। हो गया जी, ठीक है? हो गया हम? अच्छा बच्चे एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से, ये तीन बातें हैं और इस पर है क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, और नहीं तो बस हो गया। चलिए जरा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन, एक एग्जांपल, फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी
frequency of the following data. चलिए जरा फटाफट जरा लिखते चलिए क्लास इंटरवल, ठीक है जी। हेलो फ्रीक्वेंसी, ये हो गया जी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ 2, 3, 5, ये हो गया 8, और उसके बाद 2, हमने ये ले लिया, ठीक है। ये आपका 8 है, ये 8 है, और ये हमने ले लिया यही डेटा, और इसी का काम करके बताना है। अच्छा एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा जी, सिग्मा एफ, यहाँ पर एफ है, इस एफ के पहले सिग्मा लगा देना, मतलब इस कॉलम के सभी नंबर को प्लस करना, सबको जोड़िए कितना आएगा 20 आएगा, 20 आ गया जी। हेलो बेटा इधर ध्यान दे देना, बेटा पढ़ने में मन नहीं लगता, क्यों आते हो, क्या जरूरी है, कोई जरूरी है आना बेटे, मेरे नजर से धोखा, मेरी नजर को धोखा दे दोगे क्या, लगता है कि बस मैं तुम्हारे लिए बस हो गया, आपका ड्यूटी है बोलते जाइए, हमारा ड्यूटी है बस टाइम पास, बेटा टाइम पास करने के लिए बैठा है नहीं है। सुनिए एक बात जरा सुनिए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये हो गया ना जी, एक बात जरा सुनो, एक एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, बेटा बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इस पर आता है, और आपको किताब में आपको ढंग से समझाया हुआ भी नहीं मिलेगा, और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, इधर ध्यान से देखिएगा जी। हेलो एक मिनट, यहाँ देखिएगा एक मिनट, मुझे बता लेने दीजिएगा, उसके बाद रिमेनिंग आप ही बताएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, बनाना तुम्ही को है, टाइम दे दूंगा आधा मिनट, ठीक है। एक बार जरा सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो नजर, यहाँ पर नजर, फ्रीक्वेंसी क्या है 2 है, और इसकी लेंथ क्या है, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 0.2 नालायक भगवान जी, ये हो गया 3, इसका लेंथ कितना है 10, तो इसका क्या हो गया 0.3, समझ में आ गया। इसी तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 2/20, 2/20 होगा ना, 1 पॉइंट कितना आएगा, अच्छा इसकी है फ्रीक्वेंसी है 3, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 0.15, अच्छा अब इसी को सुनिए, इसी को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक मिनट शांत रहिए बच्चे, मुझे बोलने दो बच्चे, ये वाला जो पार्ट है दिस इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज नथिंग बट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करोगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छे यहाँ 2/10 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा नालायक, 20% हुआ, 20% हुआ ना, यदि 2/10 × 100 = 20 नहीं हुआ, ऐसा मुक्का मारूंगा चश्मा तोड़ दूंगा, समझ गया ना, मैंने गलत लिखा है क्या, मैं गलत लिखा है ना, लायक कहता है गलत लिखा, 820 हो, कितना आएगा 10%, ये हो गया जी 10%, इसका कितना होगा 3/15, ये हो गया 15%। आधा मिनट टाइम है आप, तो बाकी का क्वेश्चन जल्दी करिए, टाइम इज आधा मिनट, डू करो बेटा करो, टाइम वेस्ट टाइम, कैलकुलेटर लेकर बैठा हुआ है बेशरम।
अरे कॉपी में लिख ले ना लायक, मैंने एक का हो गया तो सबका हो गया। हेलो जल्दी करो जल्दी लिख लो, अभी नहीं काम आएगा तो जिंदगी में कभी काम आएगा। लिखता नहीं है और खाली खाली सर रफ कॉपी है, ये रफ कॉपी है तो क्या हुआ, लिखेगा नहीं? तुम कैसे लिख रहा है, ताजुब है यार ये लिख रहा है। हेलो हाँ जी जल्दी ये कैलकुलेटर से कैसे काम चलेगा, कॉपी में भी लिख लीजिए। लिख रहे हैं सर, वो कॉपी में लिखने के लिए बोले थे, किताब पर लिख रहा, बोले कर रहा है, माता पिता नहीं दिए हैं कॉपी है ना बेटा, चेहरा छुपा के जाएगा कहाँ, टेस्ट नहीं देता है। हाँ टेस्ट नहीं देता ना, टेस्ट का रिजल्ट दिखाना। ठीक है कर लिया, कर लिया बेटा। एक बात जरा सुनो, हेलो चलिए जरा एक बात, जरा इसका वैल्यू आएगा 0.5, इसका 0.8, 0.2, बहुत बढ़िया। इसका आएगा 5/20, इसका आएगा 1.40, इसका आएगा 1 मिनट साल रही है। हेलो पर में आता है, लेकिन इससे भी ज्यादा सुंदर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है हाँ, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं और आप लोग आंसर दीजिएगा, एक क्वेश्चन लिखते हैं और आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन ये है, क्या द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, नोट करते चलिए, ऑफ ए क्लास इंटरवल लाइज इज डैश A is less than 1, दूसरा more than 1, तीसरा greater than, अरे रुको ना, greater than 0, डी ना ना दीच। चलिए मैं पूछ लेता हूँ शांत रहो, पूछ लेता हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा जी। चलिए बताइए फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में, फर्स्ट ऑप्शन चलो जी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, लास्ट। मैं ऐसा कर देता हूँ, एक मिनट, ए एंड सी बोथ, एंड ठीक नहीं होगा इसका वर्ड, एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में आप बोलिए, सेकंड ऑप्शन, थर्ड, इधर भी है क्या, चेहरा छुपा रहा है, थर्ड, लास्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन आओ, तो ऐसे उठाओ ना ऐसे, हाँ जी बस तुम ही लोग सही है, उठाया उठाओ और इसे मारो। हेलो बेटा एक बात जरा सुनो, इसीलिए एक मिनट शांत रहिए,
एक मिनट शांत रहिए। हेलो, अगर इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी यहां 2 है, जितने भी वैल्यूज आपको आए हैं लेस देन 1 आए हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि क्लास छोटा ही होगा। एक क्लास इंटरवल अगर 20 हो जाए तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगा? 2 होगा। 2 इज ग्रेटर देन 1। 1 हो गया ना, तब तो फिर गलत हो गया। अब जरा एक बात सुनो, मेरा ये कहना था बच्चे सुनो, मेरा ये कहना था कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हो जाए तो 20/10 इक्वल टू 2 हो गए, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। क्लास इंटरवल वही है, क्लास इंटरवल ये है 20 का मतलब देयर आर 20 ऑब्जर्वेशन लाइंग बिटवीन 0 एंड 10, ठीक है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो कुछ भी हो सकता है। तो इन दैट केस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगा जी यहां पर? तो ग्रेटर देन 2 हो गया, ग्रेटर देन, ये तो 2 हो गया ना, ग्रेटर देन 1 हो गया ना, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, आप इसको 200 कर दो, ये हो जाएगा ना। मतलब ये हुआ, सुनिए, मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में लेंथ कभी निगेटिव नहीं होगा और फ्रीक्वेंसी कभी निगेटिव नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी कभी निगेटिव नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? तो बेटा एक बात जरा बताओ, पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे, यू विल गेट ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर आएगा ना, बट दैट पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है? अगर पिछले वाले क्वेश्चन के अनुसार ये जरा देखिएगा जी, अगर आप डी लगाते हैं इसका मतलब ये ठीक होगा चाहे ये ठीक होगा, इस हिसाब से तो हमारा गलत है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर ग्रेटर देन 0, 0 से 1 और 0 के बीच वाला भी आ गया और 1 से ज्यादा वाला भी आ गया, सब कुछ इसमें शामिल हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, समझ में आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत हाँ, लेकर आना किताब। हेलो, हाँ जी, हमेशा ग्रेटर देन 0, ठीक है? अब चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, हेलो, इधर ध्यान से देखिएगा जी, एक्सपेरिमेंट आपके सामने था। अगला सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, और दैट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी लेस देन ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ठीक है जी, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 इक्वल टू 0, डी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1। हमारे सामने ये सवाल है और इसका आंसर बताना है। हाँ जी, ठीक है जी, चलो जी, हो गया, लिखा हुआ हो गया। चलो बताओ फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में, फर्स्ट ऑप्शन, अरे फर्स्ट ऑप्शन बोलो ना, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन,
चलो जी लास्ट ऑप्शन। बच्चे एक बात जरा सुन लीजिए, इधर ध्यान से एक मिनट शांत रहिएगा जी, इधर ध्यान से बच्चे, इधर ध्यान से सुनिए, एक मिनट शांत रहिएगा जी, इधर ध्यान से। इधर ध्यान से सुनिए, एक मिनट शांत रहिएगा बच्चे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सिग्मा है, तो फ्रीक्वेंसी कभी भी सिग्मा एफ से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है न्यूमरेटर विल बी ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो जब न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा देन द कैलकुलेशन ऑफ दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन वन, वन से छोटा होगा एंड जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि निगेटिव हो नहीं सकता और सिग्मा एफ भी निगेटिव नहीं हो सकता। दैट्स वाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज लाई बिटवीन जीरो एंड वन। तो आपके आंसर हो गए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अच्छा एक बात जरा सुनिए, एक मिनट शांत रहिएगा जी, अगली सवाल जरा लिखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा लिखिएगा। द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ रिलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल क्लास इज इक्वल टू इज डैश वाला ऑप्शन इज इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू टू वन, सी लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, डी नन ऑफ दिस। हेलो हो गया जी। चले जरा एक बात बताइएगा, नोट कर लिए, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कोई? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड 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 लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। हेलो एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान से बच्चे, आप इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिग्मा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करोगे तो इस सबको प्लस करिएगा, तो सबको प्लस कीजिएगा तो सभी का डिनोमिनेटर 20 आएगा, और सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे तो न्यूमरेटर भी 20 हो जाएगा, तो 20 बाई 20 इक्वल टू क्या आएगा? हमेशा वन आएगा, ऑलवेज ऑलवेज वन, ठीक है जी, वन, ये हमेशा बनाएगा, ठीक है जी, हमेशा बनाएगा बेटे, इस सबको प्लस करके देख लीजिएगा, इट विल बी इक्वल टू वन, ठीक है। अब जरा इसको टोटल करो, सिग्मा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना आएगा? 100%, 100%। अब चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा, क्वेश्चन इसी पर है, आंसर इज 100%। अरे यार तुम क्या कर दिया, आंसर इज ये हो गया। अगला क्वेश्चन जरा है, द वैल्यू ऑफ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज पहला ऑप्शन इज ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो, सी लाइज बिटवीन जीरो एंड हंड्रेड,
थ्री नाइन ऑफ दिस। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में कोई है? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड 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 थर्ड, लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। क्या आंसर होगा बालक? 100%। अरे लाइज है बेशरम, सम ऑफ नहीं है। वैल्यू ऑफ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी इज। तो तुम ऐसे ऐसे मिस्टेक करोगे तो फिर क्या होगा? एक बार जरा सुनिएगा अगले सवाल। अगला क्वेश्चन है, जरा लिखना है, द सम ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ इज, पहला ऑप्शन इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 टी नन ऑफ दिस। हो गया जी? फर्स्ट ऑप्शन के फेवर में सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट 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 लास्ट। हेलो बेटे, एक बात जरा सुनो, तुम लोग क्यों ऐसे बोल दिया? बच्चे एक मिनट शांत रहिए। ये सभी का सम जो आया वो 100% है, ठीक है? तो ये सभी परसेंटेज का सम हमें लेना है। आज जब परसेंटेज हटा देंगे तो फिर वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। जब परसेंटेज वर्ड हटा देंगे तो दैट विल बी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज में लिखेंगे तो दैट इज परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? अच्छा जी, ठीक है। हेलो, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स किसी को? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हेलो, अब जरा एक बात जरा सुनिए, आपको मैंने फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ये वाला बात बता दिया, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ और बात, हेलो, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपसे एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 10 से लेकर 40 के बीच की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 टू 40 इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 10 टू 40, 3 + 5 + 8 तो 16 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? हमें क्या करना है, 10 टू 40 पूछेगा, चाहे 20 टू 50 कर देगा, तो सभी फ्रीक्वेंसीज को आप प्लस करोगे और प्लस करने के बाद जो आएगा दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इंटरवल। समझ में आ गया? हाँ जी, इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं ले जाएंगे, हम इतना ही तक इसको रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, मैं लिख देता हूँ साथ में क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 20 टू 50 इज,
12 ऑप्शन, 15, 8, 16, 8 डी में लिखो, 7 में आ गया, कोई दिक्कत? फ्रीक्वेंसी इसका क्या होगा? 15 हो जाएगा। आप इसके बीच, मतलब है कि 20 से लेकर इसके बीच जितने भी क्लास इंटरवल है सभी के फ्रीक्वेंसी को प्लस करना पड़ेगा। तो 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 सभी फ्रीक्वेंसीज को प्लस करेंगे तब हमारा इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आएगी। समझ में आ गया? कर लोगे? कोई प्रॉब्लम किसी को? बच्चे अब हमें जानना है, हेलो, अब हमें जानना है बेटा, तुम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, मत डिस्टर्ब रहो। बार बार यही बोलता हूँ, याद रखिएगा कि जब पढ़ाई करना हो, काम करना हो, सीरियस रहिए। वो जब टाइम ख़त्म हो जाए तो आपको जो करना है करिए, नहीं मानेंगे, मेरा काम है सिर्फ बता देना, बोल देना, गाइड कर देना। मानेंगे तो फिर ठीक है, नहीं मानेंगे तो परिणाम भी तुम ही को भुगतना पड़ेगा, हम कुछ में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जिंदगी है तुम्हारी, इसको खूबसूरत बनाना तेरे हाथ में है। ठीक है, आप इसको खूबसूरत बनाने के लिए बुनियाद से, बेस से अपने आप को मजबूत करके बनाना होता है। जब बहुत ऊंची इमारत खड़ा करना हो तो उसकी बुनियाद बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और जिसकी बुनियाद स्ट्रांग नहीं है, बेस स्ट्रांग नहीं है, उस पर ऊंची इमारतें खड़ा नहीं हो सकती। तो ज़िंदगी भी तुम्हारा यही है बेटे, जिस तरह से आप इसको नॉर्मल लेकर चलते हैं, तो याद रखिएगा बहुत ही बेहतर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको अपनी बेस मजबूत रखनी पड़ेगी, और नहीं तो बस सिंपल CA बन करके रह जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, इस बात को ध्यान रखिए। तो पढ़ लीजिए बच्चे, पढ़ लीजिए, नहीं तो दिमाग ऐसे ही पेंडुलम की जैसे घूमता रह जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे, अब जरा एक बात जरा सुनो, अब इसके बाद इस वाले पार्ट में दो बातें बच गई, और वो है, एक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरा है, सुनिए, एक है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरा हिस्सा है इसका, और वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये दो बातें बच गई। ठीक है, तो इसको हमें करना है, इसको करना है, और ये जब हो जाएगा तभी हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में एक चीज का हम जिक्र करते हैं, मीडियन की जरूरत पड़ती है, क्वार्टाइल्स, मोड, इसकी जरूरत हमें पड़ती है। तो इसकी चर्चा पहले हम लोग कर लें, और करने के बाद जब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पर चलेंगे तो वो नाम याद रहेगा, और हो सकता है उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो इसलिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को बाद में बताएंगे, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से संबंधित सवाल बात कल बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, जय हिंद।